क्या हम ACL टीयर के साथ नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं? दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोस्कोपिक एक्सपर्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ टीम ऑर्थोस्पोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ बात आती है नॉर्मल लाइफ जीने की, तो हर किसी का अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रहती है एक नॉर्मल लाइफ से। कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, जिनको स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने का शौक होता है, वो रेगुलरली खेलते हैं, तो उनके लिए वो नॉर्मल है। अगर कोई उनका स्पोर्ट्स रोक ले तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कमी आने लगती है, उनको फील होने लगता है। कुछ लोग बड़े सेडेंट्री होते हैं, उनको टीवी देखा, थोड़ा बहुत घूमे फिरे और कोई स्पोर्ट्स नहीं। सो हर किसी का एक्सपेक्टेशन फॉर ए नॉर्मल लाइफ इज़ डिफरेंट। सो पहले बात करते हैं कि आखिर ACL टीयर से क्या दिक्कतें हैं। तो ACL एक लिगामेंट होता है जो आपके टीबिया को फीमर से जोड़ता है और आपके टीबिया को आगे आने से बचाता है। तो जब ये टूट जाता है तो नॉर्मल चलने में कई बार लोगों को दिक्कतें नहीं आती, वो आराम से धीरे धीरे चल पाते हैं। क्यों चल पाते हैं? क्योंकि उनका कार्टिलेज, जो कि घुटने के ऊपर की कवरिंग रहती है, हमारे फीमर के ऊपर, टीबिया के ऊपर, पटेला के ऊपर, सब पे बोन पे कार्टिलेज की कवरिंग रहती है, वो कार्टिलेज उनका अच्छा है, उनके मेनिस्कस भी अच्छे हैं। तो जब आपका कार्टिलेज अच्छा होता है, थिक होता है, तो आपको चलने में कोई दर्द नहीं होता। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, कार्टिलेज घिसता रहता है। तो जो ओल्डर एज में जो घुटने का दर्द होता है दोस्तों, वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं, यंगर एज के अंदर कार्टिलेज ब्लू है, बिल्कुल अच्छा है, कोई डैमेज नहीं है। ओल्डर एज में यही कार्टिलेज घिस जाता है, तो हमें घुटने का दर्द पैदा होता है। तो ACL टीयर के अंदर कई बार घुटने में दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि कार्टिलेज अच्छा होता है, तो आप नॉर्मल एक्टिविटीज अपनी आराम से कर पाते हैं। पर जब भी आप चलेंगे तो हल्का सा आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, आपका पैर हिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब वो लिगामेंट नहीं है जो कि आपके हड्डी को आगे आने से बचाता है। तो टूटा हुआ है तो आपकी नीचे वाली टीबी हड्डी आगे आती रहेगी धीरे धीरे चलने में। पर जब भी आप हाई एंड एक्टिविटीज करेंगे, रनिंग, जंपिंग, स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, जिसमें उबड़ खाबड़ सड़े चलना है, तो आपको लगेगा कि आपका पांव आगे की तरफ फिसल रहा है, ये इनस्टेबिलिटी आएगी एक्टिविटी में। ये आपको नॉर्मल स्पोर्ट्स और नॉर्मल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने से रोकेगी। तो जो लोग हैं जिनके नॉर्मल लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है कि वो स्पोर्ट्स खेलें, ट्रैकिंग पे जाएं, डांस करें, वो लोग नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाएंगे अगर उनको ACL टीयर है। क्यों? क्योंकि जब भी वो एक्टिविटी करेंगे उनको इनस्टेबिलिटी होगी, और इस इनस्टेबिलिटी से अगर वो इलाज नहीं कराते तो धीरे धीरे मेनिस्कस और कार्टिलेज दोनों डैमेज हो जाएंगे और आपका घुटना धीरे धीरे इस तरह से खराब होने लगेगा और फिर आपको चलने फिरने में भी दिक्कत आएगी। सो ये बात आती है हाई डिमांड एथलीट्स की, हाई डिमांड एक्टिविटीज जिन पेशेंट्स की है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर सकते अगर उनका ACL टीयर है, क्योंकि वो सभी तरह की हाई डिमांड एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। जब भी करेंगे तब उनको इनस्टेबिलिटी आएगी और वो उनको डर लगेगा करने में। अब बात आती है उन लोगों की जो लोग सेडेंट्री लाइफ जीना चाहते हैं, जो ऑफिस वर्क करते हैं, क्या वो लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं ACL टीयर के बाद? तो दोस्तों, आप गेम नहीं खेलते, कुछ नहीं करते, तो एक तो आपका वेट बढ़ता जाएगा, दूसरा हल्का हल्का पैर तो आपका हमेशा ही हिलेगा, जब आप भले रनिंग करें, वॉकिंग भी हिलेगा। नॉर्मल लोग में भी नी की चोट लगती है। सपोज आप चल रहे हैं, सामने खड्डा है, आपका पांव फिसल गया, आप सीढ़ी से उतर रहे हैं और एकदम से आपको झटका लग गया। नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में भी इस तरह के कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं रेगुलरली, जिसमें आपके नी पे काफी स्ट्रेन पड़ेगा, क्योंकि ACL नहीं है तो वो आगे तब लग सेट करेगा अपन। ये एक्टिविटीज भी धीरे धीरे आपके कार्टिलेज को, मेनिस्कस को डैमेज करेगी और हो सकता है 5 से 10 साल बाद ACL टूटने के आपका कार्टिलेज परमानेंटली डैमेज हो जाए, उसके बाद नॉर्मल चलना भी पेनफुल हो जाता है। ACL जब टूटा होता है, ये जो इनस्टेबिलिटी है, ये धीरे धीरे आपके कार्टिलेज और मेनिस्कस को डैमेज करती है। एक बार ये कार्टिलेज या मेनिस्कस इस लिमिट तक डैमेज हो गया तो फिर इसका इलाज नहीं है दोस्तों, ये कार्टिलेज वापस नहीं आ सकता, एक बार गया तो जिंदगी भर के लिए गया। फिर नॉर्मल चलने पे भी दर्द होता है। तो जिनकी हाई एंड एक्टिविटीज है उनको ACL इंजरी से बहुत तकलीफ होती है, उनको सर्जरी जल्दी करानी पड़ती है क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे जो उनको पसंद है, गेम्स। और जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं वो कई बार 2-3 साल निकाल लेते हैं धीरे धीरे चल के, पर इन 2-3 सालों में उनका जो थोड़ा बहुत गेम है वो भी खत्म हो जाता है, उनका वेट भी बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे डैमेज तो आता ही है। क्यों? कई बार पांव ट्विस्ट हो गया, धीरे धीरे हिल रहा है तो कार्टिलेज और मेनिस्कस को डैमेज आता है। सो बेसिकली बात यह है कि अगर आपका एक बार ACL टीयर हो गया तो आप नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर सकते ढंग से। क्यों? क्योंकि आपके कार्टिलेज और मेनिस्कस धीरे धीरे, अगर आज डैमेज नहीं है तो हो सकता है 5 साल बाद डैमेज हो जाएंगे, तो आपको दर्द आने लगे। अगर आपके MRI में दोस्तों ACL टीयर, MCL टीयर, PCL टीयर लिखा हुआ आप कंफ्यूज हैं इसके बारे में, तो आप हमें अपनी MRI भेजिए व्हाट्सएप पे और उसकी डिटेल में स्टडी करके हम बताएंगे कि सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए।